हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल टैग्स। एचटीएमएल टैग्स में हमारे पास बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं, बट इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक टैग्स से स्टार्टिंग करेंगे और फिर आगे के फर्दर लेक्चर्स में आपको बाकी के टैग्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उनका प्रेजेंटेशन भी मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगी, बट इस लेक्चर के लिए हम कुछ बेसिक टैग्स पढ़ेंगे। और ये सिर्फ चार इसलिए हैं क्योंकि मैं इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगी। थ्योरेटिकल डेटा हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सारे टैग्स का मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूंगी। और हमारे चैनल का भी मेन मोटो ये है कि हम क्विकली रिविज़न करें विथ क्वालिटी, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम बहुत सारे टैग्स मिस ना कर जाए, हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मिस ना कर जाए। इसलिए हम हर वीडियो लेक्चर में दो तीन चार बस इससे ज़्यादा टैग्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज हम इन चारों टैग्स को देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक टैग्स हैं। कहाँ यूज़ करना है एचटीएमएल पेज बनाने के लिए, तो ये हमको हमेशा से पता है कि हमको मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर या फिर आपके पास और कोई सा सॉफ्टवेयर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि आप सॉफ्टवेयर ही यूज़ करें, नोटपैड्स पे एचटीएमएल पेज डिज़ाइन करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमको लॉजिक पे फोकस करना है। हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि हम हमारे इस पे टैगिंग के सिंटैक्स और इन सब पे अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। तो हमको जो चीज़ें रेडीमेड मिल सकती हैं वो हम इजीली रेडीमेडली ले लें। तो यहाँ तक बॉडी के यहाँ पर पहुँचने तक का सारा वीडियो हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हमको बॉडी के जो वेब पेज की बॉडी है उसमें कैसे स्ट्रक्चरिंग परफॉर्म करनी है। तो सपोज मैंने कुछ मैसेज लिखा, दिस इज सैम्पल पेज। तो इस मैसेज को जैसे ही मैंने सेव किया और अब मैं इस पेज को रन करती हूँ, सॉरी अब मैं इस पेज को ब्राउज़र पर रन करती हूँ, तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया था, क्लियर। अब मैं चाहती हूँ कि इस पेज का कुछ डेटा जो है वो नहीं दिखे, तो हमारे पास कमेंट टैग होता है, एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, नॉट का साइन लगाएंगे, डबल डैश करेंगे, तो उसके बाद का जितना भी डेटा है सारा कैसा हो जाएगा, हमारे पास अवेलेबल कमेंट्स में हो जाएगा। बट अब मेरे को इसको क्लोज भी करना है तो अगेन मैं डबल डैश लगाऊंगी और एंगल ब्रैकेट लगाऊंगी, तो सिर्फ उतना पोर्शन जो उसके बीच में लिखा हुआ है वो पूरा कैसा हो जाएगा, कमेंट में हो जाएगा। तो मैंने इतना कर दिया, रिफ्रेश किया, तो देखिए दिस इज सैम्पल डेट, सैम्पल हमारे पास रह गया, पेज जो है वो हम कमेंट कर चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टैग था कमेंट टैग। नेक्स्ट टैग है ए टैग। देखिए जैसे ही मैं एंगल ब्रैकेट लगाती हूँ ये पूरी लिस्ट मेरे पास ओपन हो जाती है। इस लिस्ट में जितने टैग्स हैं यही सारे टैग्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसी सिक्वेंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं ए टैग की। तो मैंने ए लिखा तो वह वहाँ पे आ गया ए। इस ए टैग के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम जो एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं वो है एच आर ई एफ। तो एच आर ई एफ फॉर हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। हाइपर लिंक का यूज़ आपने तब किया होगा जब आप विकिपीडिया की साइट चलाते हैं, तो वहाँ पर कुछ आपको ब्लू कलर का टैग्स दिखता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज पे पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए जैसे ही मैंने एच आर ई एफ को यूज़ करने की कोशिश करी थी, मैं आपको वापस करके बताती हूँ, एच आर ई एफ जैसे ही ऐसा किया तो देखिए ब्राउज़ का भी ऑप्शन आया था। ब्राउज़ का ऑप्शन मतलब है कि आपने कोई वेब पेज बना रखा है तो उसको ब्राउज़ कर लीजिए, नहीं बना रखा है तो ऑनलाइन जो वेब पेजेस हैं आपके पास अवेलेबल आप उसी पे ही अपना उस हाइपरलिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने गूगल की हाइपरलिंक मैंने दे दी, एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। बट वो टैग्स क्या होगा, तो वो टैग्स हमने सपोज कर लिया है कि वो गूगल ही टैग्स होगा, जहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमको क्या मिल जाने वाला है, हाइपरलिंक मिल जाने वाला है। अब देखिए जैसे मैं एंगल ब्रैकेट लगाऊंगी और स्लैश लगाऊंगी, ऑटोमेटिकली मेरा जो टैग है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम इसका रिस्पांस देख लेते हैं वेब पेज पे कि इसका वेब पेज पे रिस्पांस जो है वो कैसा आने वाला है। वेब पेज पे इसका रिस्पांस ये देखिए, दिस इज सैम्पल गूगल आ गया रिस्पांस। अब देखिए अभी ये गूगल जो है वो अनविजिटेड लिंक है तो अंडरलाइन है और ब्लू है। विजिट कर लूँगी मैं तो अंडरलाइन तो रहेगा बट कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। अगर आपका नेट ऑन रहेगा तो वो वहाँ पर इजीली पहुँच जाएगा, और नेट में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर गूगल पे मूव करने में दिक्कत आ सकती है, जैसे मुझे अभी आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि हम कोई पेज बना के रख लें और फिर हम उसी पेज पे मूव ऑन करें, क्लियर हो गया।
अभी नेट प्रॉब्लम दे रहा है मेरा शायद, इसलिए आपको मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। बाकी आप गूगल पे मूव कर जाएंगे बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। क्लियर? ये देखिए मैं विजिट करके आ गई तो ये पर्पल हो गया, और अगर ये एक्टिव लिंक रहेगी तो ये रेड कलर में रहेगा, बट हर केस में अंडरलाइन तो आपके पास अवेलेबल होगी ही होगी। क्लियर? नेक्स्ट है कौन सा है लिस्ट में हमारे पास, ABBR एब्रीवेशन। एब्रीवेशन टैग जो है वो टाइटल से चलता है, एब्रीवेट हमको करना है, किसको करना है, सपोज क्विक रिवीजन, ठीक है, क्लोज किया, किस लेटर के साथ, QR के साथ, अगेन मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया, स्लैश लगाया, ABBR ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो आपको कैसा रहेगा, कुछ फैसिलिटीज ऑटोमेटिक मिल जाएगी, आपको अननेसेसरली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर नेट ऑन हो गया होगा तो गूगल की लिंक हमको नेक्स्ट पेज पे जानी चाहिए, नहीं हुआ है तब तक ही देख लीजिए। देखिए QR पे क्या आ रहा है, क्विक रिविज़न आ रहा है, बाकी अगर मैं सैम्पल पे, ईस पे, दिस पे कर्सर ले जाती हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बट QR पे कर्सर ले जाने पे क्या हमको एब्रीवेशन मिल रहा है, क्विक रिविज़न हमको एब्रीवेशन मिल रहा है। इस एब्रीवेशन का ही के साथ ही एक और टैग होता है इसी के नीचे, एक्रोनियम, जो भी सेम टास्क परफॉर्म करता है बट कुछ वर्जन्स के कारण इनमें ऐसा डिफरेंस आता है। सपोज इस बार मेरा एक्रोनियम है नाउ एड्स, ब्रैकेट क्लोज करा यहाँ पे, ठीक है, और अब यहाँ किसके साथ लिखना है, नाउ इट्स वाओ के साथ, एंगल ब्रैकेट लगाया, जैसे स्लैश लगाया वो क्लोज हो गया। अगेन हम गए, हमारे पेज को हमने रिफ्रेश किया, सॉरी हमारे पेज को हमने रिफ्रेश किया, तो देखिए ये फर्स्ट वाला था पेज, इसमें कमेंट में हो गया इसलिए नहीं आ रहा है। गूगल पे क्लिक किया है तो देखिए मेरा नेट अब प्रॉपर चल रहा है, तो गूगल पे हमने रिडायरेक्ट भी हो गए हम। QR पे गए तो क्विक रिवीजन आ रहा है, NIW पे गए तो नाउ इट्स वाओ हमारे पास अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ही टाइप के जो हमने पढ़े हैं टैग्स, कौन कौन से टैग्स पढ़े हैं आपने, एच कमेंट टैग, फिर ए टैग जो कि HREF आप जिसको बोलते हैं, जो इसका एक एट्रीब्यूट है, एब्रीवेशन एंड एक्रोनियम, ये चारों ही टैग जो है वो बहुत बेसिक टैग है और इनका कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कौन से टैग्स पढ़ने वाले हैं, तो देखिए जैसे ही आप एंगल ब्रैकेट लगाएंगे तो ये टैग्स जो है हम आगे के टैग्स जो है वो पढ़ेंगे, क्लियर। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं आपको बाकी के सारे टैग्स जो हैं वो पढ़ाऊँगी, और इनके एट्रीब्यूट्स को कहाँ कैसे यूज़ करना है वो आप खुद धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। थैंक यू, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।